हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी से बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है। अगर मेरा भाई गुरबैन कोई भी हरियाणा से बिलोंग करता है, अगर उसको हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मेरा भाई गुरबैन आप सभी को पता है कि हरियाणा में डेली किसी न किसी जिले के अंदर, शहर के अंदर, गाँव के अंदर डेली डीसी रेट जॉब्स निकल कर आती है। पिछली एक दो साल से आपने देखा भी होगा हरियाणा सरकार ने कोई भी सरकारी नौकरी निकाली नहीं, उसके चलते हुए हर डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय की जरूरत है। जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय की जरूरत होती है वहां पर डीसी रेट जॉब्स के तहत बच्चे कंटिन्यू भर्ती किए जा रहे हैं। अगर मेरे भाई और बहन, अगर आपको भी डीसी रेट जॉब पे लगना है तो बिल्कुल आसानी से लग सकते हैं। हरियाणा में डीसी रेट जॉब्स लगना बहुत ही आसान है। आपको भी बता देता हूँ, हरियाणा में डीसी रेट जॉब्स के लिए आपको ओनली फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट उसके एक महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, अगर बिल्कुल करेक्टली आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो। मेरा भाई और बहन कोई भी हरियाणा से बिलोंग करता है, पूरे हरियाणा से कोई भी मेरा भाई हो चाहे मेरी बहन हो, कहीं से भी पूरे हरियाणा में बिलोंग करते हैं, अगर उसको जॉब्स की जरूरत है, जॉब्स उसको चाहिए तो बिल्कुल आसानी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपको डेली पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी जॉब्स आएगी, किसी प्रकार कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले सबसे फास्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। हरियाणा का एकमात्र ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहां पर 100% रियल जानकारी, स्टिक जानकारी, सबसे पहले जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलती रहेगी। तो मेरे भाई और बहन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आज की हमारी वीडियो क्या रहने वाली है, हरियाणा के अंदर डीसी रेट जॉब्स, वो भी 18 जिलों के अंदर एक साथ। कोई भी यूट्यूबर्स ऐसी सारी चीज़ें नहीं बताता मेरे भाई और बहन, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट बता दूंगा किसी यूट्यूबर ने आज तक आपको बताया नहीं होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर भी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर गवर्नमेंट जॉब्स लग रही हैं, सीधे मेरिट बेस पर सिलेक्शन हो रहे हैं। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी हरियाणा से बाहर से बिलोंग करता है, दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है, चाहे राजस्थान से हो, चाहे पंजाब से, हिमाचल से, यूपी, बिहार, कहीं से भी हो, तो अगर उसको दिल्ली के अंदर जॉब चाहिए, दिल्ली के अंदर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको मेरिट बेस पर, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन मिलता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, तो बिल्कुल आसानी से वहां के भी आपको अपडेट्स कंटिन्यू देखने को मिलते रहते हैं। और किसी भी प्रकार का कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी डाउट रह जाता है पूरी वीडियो देखने के बाद, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना मेरे भाई और बहन, वहां पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा होगा, वहां पर आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी ऐड है, वहां पर आप भी ऐड हो सकते हो। एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको 24 घंटे न्यू यूनिवर्सिटी देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, कोई लिंक नहीं मिलता, कोई साइट में प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप हमें बेझिझक होकर टेलीग्राम पर मैसेज करें, हमारी जो टीम है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स का डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें बार बार मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार का गलत फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए ही वो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपकी ही प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए वो टेलीग्राम ग्रुप बन रखा है। तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज, आपको फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो क्या रहने वाली, बहुत ही बड़ा अपडेट आप सभी के बीच में है, इसमें 10वीं पास वाले भी लग सकते हैं, ग्रेजुएट पास वाले भी लग सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी लग सकते हैं। किस टाइप से कौन से डिपार्टमेंट में भर्ती होने वाली, आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, पूरी वीडियो पर बने रहे, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता होगा, पूरा डिटेल से समझाऊंगा, और फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछना। ओके गाइज, तो वीडियो पर बने रहें। ओके मेरे सभी भाई और बहन को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा ये नोटिफिकेशन आपका, पूरा एक बार डिटेल से एक बार मैं दिखा देता हूँ। HSLA जो रिक्रूटमेंट है ये हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर में ये भर्ती होने वाली है, इसी विभाग के अंदर ये भर्ती होगी, जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल साफ साफ क्या दिखाने वाला हूँ कि इसमें 18 डिस्ट्रिक्ट के भर्ती होने वाली है। 18 डिस्ट्रिक्ट आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहे होंगे, जो हरियाणा स्टेट अंडर जो स्टेट लेवल सर्विस अथॉरिटी है उसके अंडर में ये भर्ती होने वाली है और इसी डिपार्टमेंट में भर्ती होगी। किस प्रकार से क्या अपडेट आए आपको पूरा एक बार डिटेल वाइज मैं बताता हुआ चलूंगा। ओके, जिसके अंदर आपको एक बार सारा डिटेल से अगर मैं बता देता हूं, जिसके अंदर आपको हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, भर्ती होने वाली है, वेरियस पोस्टें रहेंगी, 166 इसमें टोटल पोस्टें रहने वाली हैं, क्योंकि 18 जिलों के अंदर ये भर्ती होगी, तो 166 पोस्टें बहुत ही ज्यादा है। अगर कोई भी मेरे भाई और बहन लगना चाहता हो तो बिल्कुल आसानी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की हम बात करें, पोस्ट वाइज इसमें सैलरी होने वाली है, जिस प्रकार से आप पोस्ट में अप्लाई करेंगे उसी प्रकार से आपको सैलरी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन आपकी हरियाणा के अंदर रहने वाली है। इसके आगे हम बात करें, 12 सितंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ये फिलहाल ऑफलाइन फॉर्म है, ये बिल्कुल आप आज के दिन भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहने वाली है, HSLS
www.ea.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, यहां से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ, 29 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 12 सितंबर रहने वाली है। आप इस फॉर्म को बिल्कुल आसानी से 12 सितंबर तक अप्लाई करेंगे। इंटरव्यू डेट इसका नोटिफिकेशन सून है, जो भी नोटिफिकेशन आगे इंटरव्यू डेट आती है तो आपको न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी की जो फीस होने वाली है उसकी मैं बात करूँ तो आपको ₹0 इसमें वैकेंसी फीस लगने वाली है। किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं पे करना है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में डीसी रेट जॉब्स जो भी आती हैं उसके लिए ₹0 एप्लीकेशन फी रहती है, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है। एज आपकी क्या होनी चाहिए इस फॉर्म के लिए, 18 से लेकर 42 साल तक के जो भी मेरे भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी इस फॉर्म के एलिजिबल है, सभी इस फॉर्म को बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर सकता है। अगर एज में छूट चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी की डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वैकेंसी की डिटेल्स किस प्रकार से होने वाली है, कि किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जो चीफ लीगल एड काउंसल होगा उसके 18 पोस्टें हैं, उसके लिए आपको क्रिमिनल लॉ की आपको LLB होनी चाहिए आपके पास में और 10 साल का कम से कम आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्टी लीगल एड जो काउंसल होगा उसके हम 35 वैकेंसियां हैं, उसको भी प्रैक्टिस इन क्रिमिनल जो लॉ होता है LLB 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट लीगल एड काउंसिल की हम बात करें 59 रहने वाले हैं, 59 पोस्टें रहने वाले हैं, उसके अंदर भी 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस उसके अंदर होना चाहिए। असिस्टेंट अगर कोई भी लगना चाहता है तो 18 पोस्ट है, ग्रेजुएट प्लस में टाइपिंग प्लस में स्टेनो, उसको थोड़ा बहुत टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए और ग्रेजुएट पास होना चाहिए। जो भी मेरे भाई हो चाहे मेरी बहन हो, कोई भी असिस्टेंट बिल्कुल आसानी से लग सकता है अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए 18 पोस्टें हैं, ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग उसको आना चाहिए। चपरासी के पोस्ट के लिए 18 पोस्टें रहने वाली हैं, उसके अंदर 10वीं पास मांग रखा है। कोई भी मेरा भाई और बहन 10वीं पास है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है चपरासी के पोस्ट के लिए, PN की पोस्ट के लिए। बिल्कुल आसानी से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस टाइप से रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूँ। ओनली आपका इंट्री होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो मेरे भाई और बहन आप देखो कि आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आपका छोटा भाई इसी प्रकार से न्यूज़ डेली लेकर आता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट बचता है, कुछ भी पूछना हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका छोटा भाई 24 घंटे आपकी सपोर्ट में। जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो डायरेक्टली आपको यहां पर देखने को मिलता रहेगा, सीधा नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट यहां पर समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन आएंगे सारे यहां पर देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई और बहन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।